नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जनपद में 75 अमृत सरोवर का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ग्राम पंचायत मझारी में बन रहे अमृत सरोवर पर डुमरियागंज सांसद और मुख्य विकास अधिकारी पहुंचकर अमृत सरोवर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मझारी के निवीय हवा में अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम के समय मौके पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार पहुंचे। बांसी BDO प्रवीण यादव और प्रधान प्रतिनिधि मोहन सहित स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद ने पहले संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये अमृत सरोवर जिले में सबसे अच्छी होनी चाहिए। वहीं अमृत सरोवर पर सोलर लाइट लगवाने के लिए सांसद ने कहा, फिर वृक्षारोपण किया और उसके बाद मनरेगा में मेहनत से काम करने वाले कुछ मजदूरों में प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित करते हुए देश की राजधानी लाल किले के प्राचीर से आज उन्होंने फिर इन अमृत सरोवरों की का उल्लेख किया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव का जो ये कालखंड है, इसके उपलक्ष्य में हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने किया। आज उसी श्रृंखला में हम मझारी में जो यहाँ का अमृत सरोवर बन रहा है, हम मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार जी, हमारे BDO यादव जी, प्रधान मोहन कुमार जी और सभी लोग आए और जिस तरह से यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के पुरुषों में इस अमृत सरोवर को लेकर के उत्साह है कि एक इतनी सुंदर जगह गांव में फिर से, जहाँ पे पूरे साल जल से ये सरोवर भरा रहेगा और इस सरोवर के किनारे किनारे पाथवे बनेगा, इंटरलॉकिंग बनेगी, लाइट सोलर लाइट लगेगी, इसके पास एक ओपन जिम बनेगा जहाँ शाम को बच्चे कुछ देर एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी तक केवल शहरों में बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज की विधा होती थी, वो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में गाँव में मोदी जी के निर्देश पे आज गांव-गांव में हो रहा है। सिद्धार्थनगर में जहां इस 75 अमृत सरोवर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के अमृत सरोवर हम 142 हमारे जिले के प्रशासन ने, जिलाधिकारी श्री रंजन विकास अधिकारी ने अब तक 142 पे कार्य हो रहा है, जिस पे 70% 80% 90% काम हो रहा है। अगले एक दो महीनों में 142 कंप्लीट हमारे अमृत सरोवर हो जाएंगे और 227 और छोटे सरोवर बन रहे हैं, जो गांव में ताल तलैया पोखर पोखरी या सब तालाब सूख रहे थे, आज उनको फिर से नया पुनर्जीवन योगी जी और मोदी जी के निर्देश पर मिल रहा है। और ये वाटर बॉडी केवल एक टहलने के स्थल नहीं होगा, बल्कि इस गांव के सभी जानवरों के लिए गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब पानी का संकट होता है तो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और बच्चे जब गर्मी में धूप से तपते हुए शाम को या सुबह नहाते हैं तो वो फिर से पुरानी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।